एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए बहुत एक यम्मी सी सब्जी लेकर आए हैं। उसके लिए हमने 3 ये प्याज ले लिए हैं, 3 टमाटर ले लिए हैं, 1 इंच अदरक ले लिया है, 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां ले ली हैं। इन सबको हम अलग अलग पीसेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने काफ़ी क्वांटिटी में हम सब्जी बना रहे हैं, तो आधा किलो हमने फ्रेश मटर ले लिए हैं, ये अच्छे से धो लिए हैं। आजकल अब फ्रेश आ रहे हैं तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैकेट हमने मशरूम का लिया है, इसको हम धो के अच्छे से फिर काट लेंगे। 1 कप हमने सोया नगेट्स लेकर इनको उबाल कर स्क्वीज कर लिया है। और सबसे पहले हमने प्याज, लहसुन और अदरक को पीस लिया है। 2 टेबलस्पून हमने सरसों का तेल डाल दिया है और इसमें धुआं निकलने लगा है। अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे, हल्का से इसको ठंडा होने देंगे। तेल अब हल्का गर्म है, हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और साथ ही साथ हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम अच्छा ब्राउन होने तक भूनेंगे, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर। तब तक हम टमाटर पीस लेते हैं। देखिए, प्याज भुनना शुरू हो गया है, थोड़ा सूखना शुरू हो गया है, लेकिन और हमें इसे चलाते हुए भुनना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच, किचन किंग भी आधा चम्मच हम इसमें यूज करेंगे और धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए, आपको ये धुएं में दिख नहीं रहा है, ये मसाला कुछ इस तरह से हो गया है। और हमें भुनना है, क्योंकि जितना अच्छा भुना होगा ना सब्जी का मसाला, उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आने वाला है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मसाला जो है वो अच्छे से भुनना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें सोया, जो हमने उबाल के निचोड़ दिए थे अच्छे से, मटर डाल दिए हैं, साथ में हम धुला हुआ कटा हुआ मशरूम डालेंगे। इस सब्जी को आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, ऐसे मिक्स कर लेंगे, बहुत बहुत टेस्टी ये सब्जी बनने वाली है। ये है मटर, मशरूम और सोया की सब्जी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं 1-2 मिनट। ये देखिए, हम इसको भी लगातार भून रहे हैं, हमें इसको भूनना है 5-7 मिनट। उससे क्या होगा कि ये अच्छे से सब्जी भून जाएगी, टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए कितना अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। तो आपको भूनना है, बस ये ट्रिक है कि सब्जी टेस्टी बनेगी, इसको अच्छे से भूनना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। अब हम इसमें ना गर्म पानी डालेंगे, जो तरी बनाएंगे ना उसकी, वो गर्म पानी से बनाएंगे। अब जितना आपको ग्रेवी चाहिए ना, उतना आप इसमें पानी ऐड करें। तो ये देखिए, इतना हमने पानी ले लिया है और हम इसमें लगाएंगे 2 विसल, और बहुत आसान सी झटपट बनने वाली ये सब्जी है। 2 विसल आ गई हैं, अब प्रेशर अपने आप ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, सब्जी जो है परफेक्ट बनी है, बिल्कुल 2 विसल के बाद बिल्कुल ना ऐसे घुटी है और ना कच्ची है, तो बहुत अच्छी है। अब हम इसको डोंगे में डालते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब ये देखिए, है ना बढ़िया सब्जी, बहुत टेस्टी है। आप ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं, हम इसको धनिये से करेंगे गार्निश। तो आप जब झटपट सब्जी बनाना चाहें ना, तो आपको ये तरीका कुकर में बहुत अच्छा लगने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।